महाराष्ट्र में शरद पवार की पार्टी से मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर से बीजेपी और सेंट्रल एजेंसी को खुले तौर पे चैलेंज किया है जैसा कि आप सबको पता है पिछले काफ़ी टाइम से नवाब मलिक जो हैं लगातार मीडिया में छाए हुए हैं और उसके पीछे का रीज़न है उनके द्वारा दिए जा रहे लगातार कुछ न कुछ अलग अलग तरीके के स्टेटमेंट अब इन्हीं सब चीज़ों के बीच में उन्होंने फिर से एक बार मीडिया से बात की और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि डेली जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी सुबह की शुरुआत किसी न किसी जान पहचान या कोई आ, मीडिया वाला या कोई नेताओं के द्वारा मुझे कॉल किया जाता है और उनके द्वारा बोला जाता है कि वह देखकर सेंट्रल एजेंसियों का यूज किया जाता है कभी सीबीआई का तो कभी ईडी का लेकिन इसके साथ में द्वारा ये भी बोला गया कि यही नहीं सिर्फ बड़े नेताओं और बड़े मीडिया चैनलों को ही नहीं है अब तो तो मेरे ऊपर भी कई बड़े एलिगेशन लगाए गए जैसे कि वक्फ बोर्ड को लेकर इनके ऊपर कई एलिगेशन जो है ग्रीश सौम्या के द्वारा लगाए गए और बोला जा रहा था कि मुझको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा लेकिन अगर बात की जाए मेरी तो मैं किसी भी चीज से डरता नहीं साथ में ही नवाब मलिक ने बीजेपी पार्टी को चैलेंज करते हुए बोला है कि मैं जो है बीजेपी और बीजेपी के बड़े पॉलिटिशियन को चैलेंज करता हूं कि मुझे जो है ईडी और सी या कोई भी बड़ी एजेंसी से डर नहीं लगता उनकी उनकी इन्वेस्टिगेशन से डर नहीं लगता और मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ में रेडी हूं किसी भी टाइम ईडी या सी के ऑफिस जाने के लिए जब भी मेरे खिलाफ में कोई इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाएगी और अगर मुझे बुलाया जाएगा तो मुझे एक भी पर्सेंट का डर नहीं है मैं जाऊंगा ईडी ऑफिस में और अपना स्टेटमेंट दर्ज कराऊंगा यह बात जो है नवाब मलिक के द्वारा बोला गया है और उनके द्वारा सीधा सीधा चैलेंज किया गया है कि उन्हें किसी भी चीज से डर नहीं लगता ना ही सी से ना ही ईडी से ना ही बीजेपी के कार्यकर्ता या बीजेपी के नेता जो पिछले काफी टाइम से उनके ऊपर गलत तरीके से आरोप लगा रहे हैं ऐसा उनके द्वारा दावा किया जा रहा है अब देखते हैं आने वाले टाइम पे इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं क्योंकि पिछले काफी टाइम से ऐसा सामने न्यूज सामने आ रही है कि बताया जा रहा है कि नवाब मलिक के खिलाफ में जल्द ही कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी और उनको गिरफ्तार किया जाएगा आपका क्या ओपिनियन है इस पर आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज्यादा शेयर करें